हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज है करवा चौथ, तो मेरी तरफ से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आप सबका करवा चौथ बहुत अच्छा जाए। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेकअप तो मैंने ठीक ठाक सा कर लेती हूँ, काम चलाऊ, बट हेयर स्टाइल में मुझे कुछ भी नहीं आता। सो मैंने बस एक जस्ट मेसी बन बना लिया है। आई होप मैं ठीक लग रही हूँ। और मैंने आज ये साड़ी पहनी है और ये है मेरी चूड़ियाँ। तो यस, अभी हम चलते हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। पूजा के लिए काफ़ी लेट हो रहा है, अब मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा के लिए यस, मैं आपको बताना चाहूँगी, पूजा के लिए मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। जैसे जो रिचुअल जो होता है पूजा का, करवा चौथ में आप ऐसे प्लेट्स घुमा घुमा के जो एक्चुअल होते हैं प्रोसेस, मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं अपने घर में मंदिर में ही अपना पूजा कर लेती हूँ। तो चलो जल्दी से पूजा कर लेते हैं। मेरी थाली भी रेडी है, पूजा का सारा सामान भी रेडी है। एंड यस, मेरी मदर इन लॉ जा चुकी हैं अपना होम टाउन, तो इस बार मैं उनके बिना ही पूजा करने वाली हूँ। तो अभी मैंने मम्मी को भी वीडियो कॉल किया था, उनका आशीर्वाद भी मैंने ले लिया है। तो अब चलिए जल्दी से पूजा कर लेते हैं, बहुत लेट हो रहा है। ओके, सो अब मेरी पूजा हो चुकी है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो मम्मी के लिए मैंने एक साड़ी ली थी और साथ में कुछ सुहाग का सामान रहता है, वो सब मैंने मंदिर में रखती है, जब मम्मी आएंगी तो मैं उनको दे दूंगी। और वो साड़ी मम्मी की ही पसंद की है। कल हम गए थे यस कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो जो भी पूजा का सामान होता है और जो साड़ी वगैरह होती है, वो मैंने मम्मी के रहते में ही उनकी पसंद की एक साड़ी ले ली थी। और बाकी जो भी मट्ठी मिठाई और जो भी ये सब लगता है ना पूजा में, वो सब मैंने कर लिया था। तो सबसे पहले तो मार्केट में जाते ही हमने मिठाइयाँ कलेक्ट की, उसके बाद मट्ठी, मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, नमकीन मट्ठी, जितनी टाइप की मट्ठियाँ होती हैं वो सारी ली, कलसा लिया, दिया लिया और चूड़ियाँ, बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ आई हुई थी, तो मैंने अपनी साड़ी के साथ ही चूड़ियाँ ली मैचिंग की। और भी साड़ियाँ हमने देखी जाके, ये तो उस दिन की क्लिप है जब मैं मम्मी के साथ गई थी। तो यहाँ से मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी ली है, बहुत ही प्यारी साड़ी है और मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया है, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम पार्लर में आए थे, पार्लर में मैंने अपना फेशियल कराया, मैनीक्योर पेडिक्योर जो जो होता है वो मैंने सब करा डाला था, एक्सेप्ट हेयर कलर, बिकॉज घर पे मेरे पास एक हेयर कलर पड़ा हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ज़्यादा ग्रे हो रखे हैं, ग्रे क्या, वाइट ही हो रखे हैं। एंड यस, फिर हेयर कलर कराने के बाद शाम को मैं फिर चली गई थी मार्केट मेहंदी लगवाने, और ठीक ठाक सा डिज़ाइन लग गया था, ठीक ठाक सा कलर भी आ गया था। एंड अगेन आई हैव मेड फ्यू शॉर्ट्स। अभी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और वो कह रहे हैं कि डिनर में कुछ नहीं बनाना है क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं। तो हम डिनर के लिए अभी बाहर जाएंगे, लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं, कहाँ क्या अवेलेबल होगा। बट ऑफ कोर्स पहले चंदा मामा की पूजा होगी, उसके बाद हम डिनर के लिए निकलेंगे बाहर। तो अभी मैं ये निकाल दे रही हूँ अपने, ये मेरे को बहुत हैवी हो रहे हैं, ये कान में जो मैंने ईयरिंग्स डाले हुए हैं ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं। देखने में लाइट वेट हैं बट एक्चुअली मुझे आदत नहीं है ना ये सब पहनने की, तो एक तो मेरी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें, तो मुझे अब ये निकालना पड़ेगा। मैं अभी इसको निकाल के रख देती हूँ संभाल के, अदरवाइज ये इधर उधर हो जाएगा। एंड लुक एट द मेस आफ्टर द पूजा। ये जब पूजा हो रही होती है उस वक्त हम रेडी तो बड़े मज़े में हो जाते हैं अच्छे अच्छे से, उसके बाद जो मेस होता है ना उसको समेटने में तो आधी जान वैसे ही निकल जाती है। ऊपर से इफ़ यू आर फास्टिंग तब तो पूछो ही मत, बट स्टिल सम हाउ आई मैनेज टू क्लीन ऑल दिस मेस, आफ्टर ऑल करना तो था ही। और आप सबका करवा चौथ कैसा गया प्लीज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
और शाम होते होते तक मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, और आते साथ उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, और डिनर की तो मैंने कोई प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी क्योंकि हमें बाहर जाना था, तो जो भी मॉर्निंग का लेफ्ट ओवर था वो मैंने इनको दे दिया था। और यहाँ पे ये मुझे कह रहे थे कि मुझे तो हमेशा खाते हुए क्यों रिकॉर्ड करती है। और ये मेरी रात की चांद की पूजा के लिए भी थाली यहाँ पे रेडी है। चांद निकल आया है। चांद तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, तारे ही दिख रहे हैं मुझे तो बस। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठ के टीवी एंजॉय कर रहे थे, और वो मुझे यही कह रहे थे कि सब जगह तो चांद निकल आया। वही मैंने कहा पता नहीं हमारे यहाँ कब चांद निकलेगा। तो अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि सब जगह चांद निकल चुका है, बस यहीं पे मेरी छत से पता नहीं क्यों चांद दिखाई ही नहीं दे रहा है। एक्चुअली मेरे घर के आगे काफ़ी एक दो घर काफ़ी ऊँचे ऊँचे बन गए हैं जिसकी वजह से अब वो दिख ही नहीं रहा है। अब मैं कुछ तो करना पड़ेगा, इससे देखूंगी अब मैं बाहर सीढ़ी पे चढ़ के, लेट्स सी दिखता है क्या नहीं। देखिए कहीं भी चांद जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वही वाला तारा अभी भी दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अगर चांद निकला भी है तो आई थिंक इस बिल्डिंग के पीछे ही होगा। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ी देर और देखते हैं फिर। ओके जी, तो पूजा तो हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, बट पूजा करते करते 10:30 हो गए थे। यस, 10:30 पे चांद दिखाई दिया था, तो उसके बाद अब बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता था बिकॉज़ नेक्स्ट डे लक्ष्य को स्कूल जाना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना था ऑफकोर्स। सो वी डिसाइडेड टू जस्ट ऑर्डर द फूड एट होम, और उसके बाद मैंने अपना मेकअप रिमूव किया। मेकअप रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जितना हम मेकअप लगाने में एफर्ट डालते हैं, थोड़ा एफर्ट हमें मेकअप रिमूव करने के लिए भी लगाना चाहिए। ये देखिए कितना मेकअप रिमूव हुआ है इसमें। इसके बाद मैंने डबल क्लेंस करके अपना फेस वॉश करके अच्छे से स्किन केयर कर लिया था, एंड नाउ इट्स डिनर टाइम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो मेरा खुद का भी मन नहीं कर रहा था बाहर जाने का, बस यही लग रहा था कि बस अब घर पे खाना आ जाए और हम उसे एंजॉय करें और सो जाएं। और हर करवा चौथ पे ऐसा नहीं है कि हम बाहर से ही डिनर मंगाते हैं या बाहर डिनर के लिए जाते हैं, हर बार तो मैं घर में ही डिनर प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि मम्मी भी साथ होती हैं और काफ़ी हेल्प भी करा देती हैं मम्मी। सो यस, ऐसा ही था मेरा करवा चौथ इस बार का। आप सबने कैसे करवा चौथ अपना सेलिब्रेट किया प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।